आखिरकार हम हिमालय पहुंच गए। इस हिमालय में सिर्फ 3 गेस्ट हाउस हैं। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। गलती ये हो गई थी कि हमने पानी का बोतल दुबान में ही छोड़ दिया था बेड के पास। आते वक्त हम भूल गए। प्यास बड़ी ज़ोर से लगी है। नमस्ते दाई। अब हिमालय से हम लोग निकल रहे हैं देवराली के लिए। जो यहाँ पे समय दिया गया है वो लगभग 2 घंटा। और एक कुत्ते को हमने थोड़ा सा चॉकलेट बिस्किट दे दिया, इसकी भी एनर्जी मेंटेन हो गई। और ये हमारे साथ अब देखते हैं कहाँ तक चलता है। आ जाओ, चलो। चलता नहीं है, चलती है। यहाँ पर बम्बू को फाड़ के दाई क्या छत ऊपर छत बम्बू बड़ा अच्छा ये लोग फाड़ के इसको बना रहे हैं। दाई आगे रास्ता ओके लैंडस्लाइड शायद समझ नहीं पा रहे हमारी बात को। समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस निकलने की ज़रूरत है। कुत्ता तो है हमारा हमारे साथ। नीचे इस नदी की आवाज और सिर्फ चिड़ियों की आवाज, नेचर का पूरा आनंद। कुछ सालों बाद यहाँ भी व्यवसाय हो जाएगा। आने वाले भविष्य में रोड बन जाएंगे, गाड़ियाँ चलने लगेंगी, ये नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। मेरा भी नसीब अच्छा है कि हम इस नेचर का पूरा आनंद ले रहे हैं। ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हम लगभग 3000 से ऊपर हाइट पे हैं, 3000 मीटर से ऊपर हाइट पे हैं। तेज चल पाना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो जाता है। हमारा बोतल नीचे ही छूट गया और ऊपर हम जाते हैं तो बहुत प्यास लगती है और शरीर में पानी जाते रहना चाहिए क्योंकि पसीने खूब होते हैं और ठंडा भी ऊपर से खूब लगता है। इतना ठंडा पानी लग रहा है सीधा बर्फ से आ रहा है। हाथ गल गया। वैसे ठंडा पानी तो नहीं पीना चाहिए, कोशिश करिए गर्म पानी पीने की, लेकिन पानी बहुत ज़रूरी है शरीर में। भाई साहब रास्ते है ही नहीं, रास्ते बनाते हुए चले, बस चलते चलना है। जहाँ पैर पड़ जाए वही रास्ता हो जा रहा है। क्या मेरी धन्नो मेरा इंतज़ार कर रही हो? कुछ खाओगी तब बढ़ोगी। हाँ नींद आ रहा है, चलो चलते हैं, चलो आगे कुछ देंगे, थोड़ा अच्छा जगह आएगा, कुछ ज़रूर खिलाएंगे। आओ आ जाओ चलो। ये दुवान से देवराली का रास्ता है। भाई साहब सिर्फ चढ़ना है, कहीं पे नहीं उतरना है। हम लगभग 1 घंटे से सिर्फ चढ़ रहे हैं। हाइट जैसे जैसे ऊपर हो रही है थोड़ा सा थकान ज़्यादा लग रहा है। नीचे देखिए भाई साहब, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ से हम आए हैं। और ऊपर सर के ऊपर है पर्वतमाला, ऐसा लग रहा है कि सर पे ही गिर जाएगा। यहाँ पे बैठने का भी एक जगह है। हमें लगता है थोड़ा सा हमें यहाँ चॉकलेट लेना चाहिए।
क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। सामने जो नज़ारे हैं भाई साहब, वीडियो लंबा हो रहा होगा, पसंद आएगा तो देखिएगा, नहीं तो छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि इस नज़ारे को हम मिस नहीं कर सकते थे। क्योंकि मैं अन्नपूर्णा बेस कैंप का एक ऐसा वीडियो बनाना चाह रहा था जिसमें कुछ भी ना मिस हो, तो हम नहीं मिस कर सकते। शायद वीडियो लंबा होगा। सामने वहाँ ऊपर देवराली दिख गया और नीचे कलकल करती नदियों की आवाज़। इतना प्रवाह है इस नदी में, आवाज़ आपको यहाँ तक सुनाई दे रहा होगा। भाई साहब, हम कहाँ आ गए यार। इतना सुंदर मनोरम स्थल कहाँ हो सकता है यार। हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर यहाँ झरने, वो देवराली और ये जलधारा, बादल देवराली के लेवल में, शानदार नज़ारा। चलिए हम निकलते हैं देवराली के लिए। ये जो नीचे जलधारा दिख रही है, ये सीधे ग्लेशियर से आ रही है। आपको दिखाते हैं नज़ारा। एक्चुअली टेम्प्रोरी ब्रिज बनाया गया है, बस हम लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए। ये जो सफ़ेद सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं ना, ये हम लोगों के द्वारा लगाए नहीं गए हैं, ये नेचर है, इन्हें भी तो खूबसूरती पसंद है। इतना अच्छा खिला खिला सा दिख रहा है फूल, क्या कहें इसके बारे में। नमस्ते दाई, देवराली 3200 मीटर हाइट। आज हम ABC पहुंच पाएंगे? कितना दूर है यहाँ से? 4 आवर। विस्तारे चार घंटे लग जाएगा। ये है देवराली, जो कि 3200 मीटर की हाइट पे है।
यानी लगभग हम 300 मीटर ऊपर आए हैं हिमालय से। ओ हाय, हाउ आर यू? ओ थैंक यू यार। व्हेन यू कम हियर स्टरडे? वेयर फ्रॉम द वे? वी स्लेप्ट यस्टरडे एट द एयरपोर्ट ऑफ स्कप। ओके, एक्चुअली ये जो स्पेन के हमें मिले थे, मुझे याद है कोमरोंग नंदा। वी मीट कोमरोंग नंदा। हम कोमरोंग नंदा में मिले थे। और ये महोदय, हम इनसे एक दिन पीछे थे, फिलहाल अभी साथ में हो गए। थैंक यू। वेरी हार्ड, वेरी ओके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, यहाँ पे सिर्फ 4 होटल है बस, बाय। यहाँ पे यही नज़ारे हैं दोस्त, बारिश झमाझम, हालत ख़राब, पूरा बैग भीग गया, बस जान नहीं निकल रही है, हाथ काम नहीं कर रहा है, बर्फीली हवाएं हालत ख़राब कर रही हैं यार। बड़ी खुशी हो रही है कि इस हाइट पे हम अपना तिरंगा झंडा लहरा रहे हैं।